हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना वायरस बड़े जोरों शोरों से फैल रहा है यार। गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशंस निकाली हैं उन सबका आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ठीक है? तो बच्चों, आज हमारा क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 4, चौथा लेक्चर है। कल की क्लास हम लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर अपनी पूरी की थी। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो फॉल्टी थर्मोमीटर था। हमने आपको फॉल्टी थर्मोमीटर के ऊपर एक प्रॉब्लम बताई थी कि किस तरीके से फॉल्टी थर्मोमीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सो आज हम लोग उसी के आगे से बात करने वाले हैं। देखो, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स में अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं स्टूडेंट। पहले टॉपिक का नाम है कैलोरी मेट्री और सेकेंड टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो जो कंडीशंस बन सकती थी, मोस्ट एक्सपेक्टेड कंडीशंस थी, वो सभी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुका हूं बच्चों। ओके, सो अब यहां से हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट पोर्शन की। थर्मोडायनामिक्स का जो हमारा आगे का पोर्शन है हम उसकी बात करेंगे बच्चों। जो थर्मोडायनामिक्स में अगला टॉपिक हमारा आएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफर करने के हम लोग यहाँ मेथड्स पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। जेई और नीट दोनों के जो स्टूडेंट है, दोनों के एग्जाम के जो स्टूडेंट है बच्चों, उन दोनों के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मल कंडक्शन एक मेथड है हीट को ट्रांसफर करने का, उस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम बनती है बच्चों। तो उस मेथड को आज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और देखना है कि कैसी प्रॉब्लम हम लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है? ओके, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। हमारे पास में बहुत सारी फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, बहुत कुछ आ रहा है रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो बच्चों, बहुत मुश्किल प्रोसेस बिल्कुल नहीं है रजिस्ट्रेशन का, एक बड़ा आसान सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके चल रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है? एक तरीका तो ये हो गया है। दूसरा तरीका ये हो गया है, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप अपनी डिटेल्स, अपना नाम, स्कूल का नाम, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, ये हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है या जो आपकी फीस है वो हमें थ्रू पेटीएम या गूगल पे या फोन पे से आप हमें सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि 2 दिन की क्लास हम यूट्यूब के ऊपर लेने वाले हैं, उसके बाद हम आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। तो ये काम हम लोगों ने सैटरडे तक एक्सटेंड कर दिया है बच्चों। सैटरडे तक आप लोगों की जो क्लास चलेगी वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी यूट्यूब पर ही चलेगी और मंडे से हम आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप लोग, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है, वो सैटरडे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपनी फीस को सबमिट करें, और जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन लोगों को संडे में लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, अब यहां से हम लोग बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास में कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मैं आप लोगों को ये मेथड पढ़ाऊं स्टूडेंट, उससे पहले मैं क्लियरली आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो कंडक्शन मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, ये हीट को ट्रांसफर करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, एक पर्टिकुलर मेथड है। कॉमनली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट को ट्रांसफर करने के लिए 3 मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, सेकेंड मेथड कन्वेक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड थर्ड मेथड रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इन तीनों मेथड में अगर कोई हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो वो है कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट। हम लोगों को आज की क्लास में ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है और इसकी सारी प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम इसके अंदर बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये जनरली कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है और कहाँ इस्तेमाल में लाया जाता है। देखिए, कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जनरली सॉलिड के अंदर, अगर आपके पास में कोई सॉलिड मटेरियल है, आपके पास में कोई सॉलिड बॉडी है, तो उस सॉलिड बॉडी के अंदर अगर हमें हीट को ट्रांसफर करना है तो हम इस मेथड का यूज करने वाले हैं। नाम आपके सामने है, कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बड़ा आसान तरीका है बच्चों, कैसे इस मेथड के अंदर हम हीट को ट्रांसफर करेंगे ये आपको देखना है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास में एक रॉड है, ठीक, बिल्कुल ध्यान से,
मेरे पास में एक रॉड है और मैंने माना कि इस रॉड की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो हमें दी गई है एल। ये रॉड की लंबाई है एल, ठीक है। हम लोगों ने लेट किया स्टूडेंट कि इस किनारे का जो टेम्परेचर है वो T1 है, इस किनारे का जो टेम्परेचर है वो T2 है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में रॉड है, ये रॉड का क्रॉस सेक्शन है बच्चों, ये रॉड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यानी ये रॉड की यहाँ से मोटाई है कुछ ऐसे। मान लीजिए कि यहाँ का जो एरिया हमें दिया गया है, ये जो एरिया हमें दिया गया है, ये कैपिटल ए के बराबर है। क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। और माना कि इस रॉड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। देखिए, कोई भी मटेरियल कितना आसानी से अपने अंदर से हीट को पास करा सकता है, इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट यानी एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी एक बड़ा ही आसान टर्म है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कौन कितनी आसानी से अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र करा सकता है। यानी आप ये समझिए, अगर किसी मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो मटेरियल अपने अंदर से आसानी से हीट को पास करा सकता है, और अगर किसी मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम है तो वो मटेरियल अपने अंदर से आसानी से हीट को पास नहीं कराएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कंक्रीट के मकानों में रहते हैं या कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते हैं, तो ये जो कच्ची मिट्टी होती है ना बच्चों, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो इसीलिए कच्ची मिट्टी की जो दीवारें हैं उनके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती है। इसीलिए गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि भैया जितने भी कच्ची मिट्टी के मकान बने होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, क्योंकि उसकी दीवार के अंदर से हीट पास नहीं हो सकती है। कच्ची मिट्टी एक बैड कंडक्टर है हीट का बच्चों, ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और अगर हम कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मिट्टी के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो हम लोग ईंट पत्थर के अपने मकान तैयार करते हैं, उस ईंट के अंदर से आराम से हीट पास हो सकती है क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। इसीलिए कंक्रीट के मकानों का टेम्परेचर थोड़ा राइज रहता है और मिट्टी के मकानों का टेम्परेचर थोड़ा फॉल रहता है, यानी कम रहता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी को एक तो हम के से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर से कितना अच्छे तरीके से हीट पास हो सकती है। अगर K की वैल्यू ज़्यादा है तो अच्छे तरीके से हीट पास होगी, और अगर K की वैल्यू कम है तो अच्छे तरीके से हीट बिल्कुल भी पास नहीं होगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने माना बच्चों कि इधर का जो टेम्परेचर है वो T1 है एंड दिस इज हॉट, इधर का जो टेम्परेचर है वो T2 है एंड दिस इज कोल्ड, ठीक है। और मुझे लगता है कि यार ये एक ऐसा यूनिवर्सल सा नियम है जिसके लिए हमें किसी फिजिक्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एक छोटे लेवल से हम लोग पढ़ते आते हैं कि भैया हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ, यानी हॉट एंड टू कोल्ड एंड हमेशा हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि भैया इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर का टेम्परेचर कम है, तो मैं ये कहूँगा कि हीट जो ट्रांसफ़र होगी बच्चों वो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी। अब कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी ये हमें देखना है। देखिए, आपको बताते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल ध्यान से, एरिया T1 माइनस के T2, टेम्परेचर का डिफरेंस। ए का मतलब है मोटाई, T1 माइनस T2 टेम्परेचर का डिफरेंस। ज़्यादा वाले टेम्परेचर में से कम वाला टेम्परेचर आपको माइनस करना है स्टूडेंट। डिवाइडेड बाय लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम का मतलब है T, कितने टाइम के लिए आप हीट को पास करा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ये बात हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लग जाएगा। देखो, कांस्टेंट हमारे पास में क्या बनने वाला है बच्चों, कांस्टेंट हमारे पास में बनेगा क्यू इज इक्वल टू के ए T1 माइनस के T2 स्मॉल t अपॉन लेंथ। यानी आप ये समझिए कि एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ इतनी हीट पास होने वाली है, इतनी हीट बच्चों हमारी पास होने वाली है कितने टाइम में, टी टाइम में, के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड, ए उसकी मोटाई, T1 माइनस T2 टेम्परेचर का डिफरेंस, स्मॉल टी टाइम, और एल लेंथ, रॉड की लेंथ कितनी है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। इतनी हीट ट्रांसफर होगी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। अब आप एक बात देखिए भाई, क्यू तो है हीट और टी है टाइम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे निकालना है Q अपॉन T,
मैंने एक काम किया, टी को उठाकर क्यू के अपॉन में लेकर चले गए। तो देखो हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास बचता है के ए टी वन माइनस के टी टू अपॉन एल, और ये जो क्यू अपॉन टी है यानी हीट अपॉन टाइम है स्टूडेंट, ये कहलाएगा कैपिटल एच, और इस कैपिटल एच को हम लोग कहने वाले हैं हीट करंट। हीट करंट, हीट करंट का सीधा सा मतलब है एक सेकंड में कितनी हीट पास होगी। देखो हीट करंट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ कितनी हीट पास होने वाली है, दैट इज कॉल्ड हीट करंट। अब आपके सामने ना बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, आपके सामने दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये है, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होगा वो इतना होना है। जितने भी स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं आप ध्यान से देखें और बताएं कि इसके अंदर सारे टर्म आपको पता है या नहीं पता है कि कौन सा टर्म किस बात को रिप्रेजेंट करता है। के थर्मल कंडक्टिविटी, कैपिटल ए रॉड की मोटाई, टी वन माइनस टी टू टेम्परेचर का डिफरेंस, स्मॉल टी टाइम, और एल रॉड की लेंथ। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं टाइम को इसके अपॉन में लेकर आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा एच के ए टी वन माइनस के टी टू डिवाइडेड बाय एल, ये कहलाएगा बच्चों हीट करंट। क्या कहलाएगा? हीट करंट, इतनी हीट पास होने वाली है एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ एक सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड हीट करंट, एंड दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ हीट, टी टाइम में कितना हीट का अमाउंट पास होगा। चलिए ये हमारे पास में एक बेसिक कंडीशन हो गई है। अब यहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं बच्चों और देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास में। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास में कौन सी आती है ये हम लोगों को देखना है। भाई जस्ट अभी हमने आपको बताया बच्चों कि ये हमारे पास में एक रॉड है, इधर का टेम्परेचर है टी वन, इधर का टेम्परेचर है टी टू, एल है दोनों किनारों के बीच की लंबाई, और जो मोटाई हमें दे रखी है बच्चों वो ये दे रखी है, ठीक है। ये मोटाई है, आप ध्यान से देखिएगा, मोटाई हमें दे रखी है ए, ठीक है, और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है के, थर्मल कंडक्टिविटी के है। मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा। देखो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, हम लोगों ने एक काम किया बच्चों, हम लोगों ने एक काम किया, हमने इस रॉड के इस किनारे के साथ, यहां पर हमने रॉड के इस किनारे के साथ में आइस का एक पीस रख दिया है, अ पीस ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया है। ये वाला जो किनारा है ये हमारा गर्म वाला किनारा है, ये वाला जो किनारा है ये हमारा ठंडे वाला किनारा है, दिस इज हॉट एंड एंड दिस इज कोल्ड एंड, ठीक है। अब ये कहा गया अगर टी टाइम के लिए हीट पास होती है बच्चों, अगर टी टाइम के लिए हीट पास होती है तो बताइए वो हीट कितनी बर्फ को मेल्ट करेगी, कितनी आइस को मेल्ट करेगी। ये जो आइस है हमारे पास में ये अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो पहले आइस को भूल जाओ, आप ये देखो कि टी टाइम में इस किनारे से इस किनारे की तरफ कितनी हीट पास होने वाली है। पहले हम ये देखते हैं कि यहां से यहां हीट पास होने वाली कितनी है। बड़ा आसान है बच्चों, कैसे? के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया टी वन माइनस के टी टू टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय टी, इतनी हीट पास होने वाली है। के ए गर्म वाले किनारे में से ठंडे वाले किनारे का टेम्परेचर माइनस करेंगे, लंबाई से डिवाइड करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये हीट यहां से यहां पास हो गई, ये हीट यहां से यहां चली गई बच्चों, ये हीट जब यहां पहुंचेगी इस बर्फ के टुकड़े के पास तो ये जो आइस का पीस है ये इस हीट का क्या करेगा, इस हीट का ये यूज करेगा अपने आप को मेल्ट कराने में। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखो इतनी हीट हम लोगों को मिली, अगर हम लोगों को बर्फ का 1 ग्राम मेल्ट कराना है, 1 ग्राम हमें मेल्ट कराना है बच्चों बर्फ का, 1 ग्राम, तो हम लोगों को 80 कैलोरी की हीट चाहिए, 80 कैलोरी की हीट चाहिए, 80 कैलोरी, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, 80 कैलोरी की हमें हीट चाहिए अगर हमें 1 ग्राम को मेल्ट कराना है स्टूडेंट, 1 ग्राम, ओके 80 कैलोरी। अच्छा ये तो 1 ग्राम हो गया, लेकिन हमें कितना दे रखा है, एम ग्राम, भाई हो सकता है कि कितने ग्राम मेल्ट हो, इतनी हीट एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चली गई, ये हीट इस बर्फ को मेल्ट कराएगी। मैंने माना कि स्मॉल एम में से इतना मेल्ट कर गया, कैपिटल एम मेल्ट कर गया, क्या मेल्ट कर गया, कैपिटल एम, तो मैंने कैपिटल एम से इससे मल्टीप्लाई कर दी यहां पर, ठीक है, यानी
इस रॉड में इस किनारे से इस किनारे की तरफ जो हीट गई है वो इतने ग्राम बर्फ को मेल्ट करेगी, एम ग्राम बर्फ को मेल्ट करेगी। आप ध्यान रखिएगा, एम ग्राम बर्फ को मेल्ट करेगी। मैंने ये लेट कर दिया अपनी तरफ से। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये दे रखा है कैलोरी में, बात को आप समझ रहे होंगे, ये दे रखा है ग्राम में, ठीक है, ये कैलोरी में है, ये ग्राम में है। हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो जूल में है, हमें इसे भी जूल में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और करने के लिए 4.2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कहां से मल्टीप्लाई करेंगे? 4.2 से। और आप यहां से सॉल्व करोगे तो कैपिटल एम की वैल्यू आप लोगों की निकल जाएगी कि भैया इतने ग्राम बर्फ जो है वो आपका मेल्ट होने वाला है, क्योंकि रॉड के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ इतनी हीट ट्रांसफर हो रही है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी यहां तक। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई हमारे पास में, आप देखिए जरा। देखो, ये हमें एक रॉड दे रखी है, मैंने माना कि इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है एल, यहां का टेम्परेचर दे रखा है T1, यहां का टेम्परेचर दे रखा है T2। ओके, यहां का जो एरिया हमें दे रखा है बच्चों, ये वाला जो एरिया हमें दे रखा है, ये दे रखा है A, ठीक है। ओके, मैं जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो किनारा है बच्चों, ये गर्म वाला किनारा है, हॉट एंड है, ये वाला जो किनारा है ये कोल्ड एंड है। अब होगा क्या, गर्म वाले किनारे से ठंडे वाले किनारे की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा बच्चों, होगा हीट का ट्रांसफर। मैं क्या बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही गर्म वाले किनारे से ठंडे वाले किनारे की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, तो इस रॉड के अंदर जो एटम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, वो हीट के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, हीट को पास होने से रोकेंगे। रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हीट के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, और उस रुकावट को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानेंगे बच्चों, वो नाम हमारा कहलाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस यानी आप ये समझिए कि जब रॉड के अंदर एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, तो हीट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होगी उसी को हम थर्मल रेजिस्टेंस का नाम देंगे। जनरली इस थर्मल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चों RH से, और इसकी वैल्यू रहती है 1/K L/A। ध्यान से, दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब K क्या है भाई यहां पर, K है थर्मल कंडक्टिविटी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, K है थर्मल कंडक्टिविटी, L है लेंथ, और A है एरिया। A है एरिया, जैसे आप एक छोटा सा नोट पॉइंट देखिए बच्चों, नोट पॉइंट ये है, ध्यान से देखो, जब हम लोग करंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, हम लोग ये बोलते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। अब आप ये देखिए, यहां हो गया है थर्मल रेजिस्टेंस, भूला नहीं है, यहां हो गया है थर्मल रेजिस्टेंस, यहां वोल्टेज का काम कौन करने वाला है, यहां वोल्टेज का काम करने वाला है डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस। और करंट का काम कौन करने वाला है, करंट का काम करने वाला है एच। ये थर्मल रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट। अगर आपको किसी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वाला टेम्परेचर माइनस ये वाला टेम्परेचर, डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा हीट से। डेल्टा टी का मतलब यहां बच्चों सीधा T1 माइनस के T2 से है, और हीट का जो मतलब है वो है KA T1 माइनस के T2 डिवाइडेड बाय L से। तो हमारा यही फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले का यूज बड़ा कम होता है, ज्यादातर इस फॉर्मूले का यूज होता है, इसीलिए डायरेक्ट मैंने आपके सामने ये लिखा। मैं डेफिनेशन एक और बार आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। डेफिनेशन यह है कि जब किसी रॉड के अंदर हीट पास होगी तो हीट के रास्ते में जितनी भी रुकावट आएगी, जो भी अपोजिशन आएगी, उसी अपोजिशन को हम नाम देंगे थर्मल रेजिस्टेंस। ये थर्मल रेजिस्टेंस तीन बातों पर डिपेंड करता है, रॉड की लंबाई पर, रॉड की लंबाई पर, रिमेंबर याद रखेंगे, भूलना नहीं है, एरिए पर यानी रॉड की मोटाई पर, और रॉड के नेचर पर, रॉड किस मटेरियल की बनी है। जितनी ज्यादा लंबाई होगी थर्मल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा थर्मल रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना ज्यादा K होगा
थर्मल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। आप ध्यान रखेंगे RH इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ये हमारी थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्टूडेंट, ठीक है, आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं एक और बार आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, थर्मल रेजिस्टेंस यानी हीट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होगी वो थर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगा। एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला है 1/K L/A, ये दूसरा फॉर्मूला है थर्मल रेजिस्टेंस का बच्चों। तीसरे फॉर्मूले में हम लोग ये कह सकते हैं RH तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर, मोटाई पर, K पर। सीधा आपके सामने है, K कम RH ज्यादा, L ज्यादा RH ज्यादा, A ज्यादा RH कम, ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये कंडीशन हमारी थर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगी बच्चों। पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में एक रॉड है जिसकी लंबाई है L, मोटाई है हमारे पास में A और कंडक्टिविटी है K1, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में बच्चों हम लोग आते हैं, देखो अगली सिचुएशन क्या है हमारे पास में, ध्यान से, हमारे पास में एक और रॉड है उसकी लंबाई है 2L, थर्मल कंडक्टिविटी है K2, एरिया है A, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, बहुत आसान है, जब रॉड को रॉड से जोड़ा जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, रॉड से रॉड को हमने कनेक्ट किया है। तो अगर मैं आपके सामने बच्चों इसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखूं तो कितना हो जाएगा, देखो बिल्कुल गौर से, R1 इज इक्वल टू 1/ थर्मल कंडक्टिविटी K1, लंबाई L, एरिया A। अगर मैं उसका रेजिस्टेंस लिखूं तो कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 1/K2, लंबाई 2L, एरिया A। ये हो गया है R1 और ये हो गया है R2। अब दोनों रॉड को हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 + R2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में यही फॉर्मूला होता है बच्चों। अब आप देखो कि टोटल रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, ये काम की बात है, यहां पर इतना तो आप समझ गए होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, क्योंकि इसकी लंबाई 2L है और एरिया इसका भी A है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। टोटल रेजिस्टेंस को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने माना कि दोनों रॉड को जोड़कर जब मैंने एक रॉड बना दिया तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, रिजल्टेंट वो हो गई है K। लंबाई देखो कितनी हो गई है जब दोनों रॉड को हमने जोड़ दिया, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी हो गई है, L तो हो गई है, ये 2L हो गई है, ये कितनी हो गई है बच्चों, 3L। मोटाई यहां भी A है, मोटाई यहां भी A है, तो मोटाई A ही रहेगी, 3L/A। R1 को लिख सकते हैं 1/K1 L/A प्लस 1/K2 12/A। ओके स्टूडेंट, अब आप एक काम करिए कि सिंपल सॉल्व कर दीजिए, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि कैंसिल आउट क्या हो रहा है, L/A 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 कॉमन लेकर हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। यहां हमारे पास में बचता है बच्चों 3/K, यहां हमारे पास में बचता है 1/K1, यहां हमारे पास में बचता है 2/K2। बस हम लोगों को इसे सिंपली सॉल्व करना है, प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी, 3/K इज इक्वल टू K2 + 2K1 K1 K2, सो K इज इक्वल टू 3K1 K2 2K1 + K2। लीजिए साहब, जो रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है हम लोगों की वो इतनी है, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग पहचान कर लेंगे कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जब रॉड को रॉड के साथ जोड़ के रखा होगा कुछ इस तरीके से तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है बच्चों, R1 + R2। तो हमने एक काम किया, हमने इसका रेजिस्टेंस लिखा, फिर हमने इसका रेजिस्टेंस लिखा, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 + R2, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, सॉल्व किया, प्रॉब्लम बन गई हम लोगों की, ये आंसर आ गया है बच्चों, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में। भाई एक और प्रॉब्लम हमारे पास में आती है बच्चों, देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक और सवाल हमारे पास में बनता है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए
इस बार आपको उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। लेंथ आपको दे रखी है एल, एरिया दे रखा है ए, थर्मल कंडक्टिविटी के वन, ये दूसरी रॉड हमें दे रखी है। लेंथ इसकी दे रखी है 12, एरिया इसका भी ए है, थर्मल कंडक्टिविटी के टू, ये हमें तीसरा दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी के थ्री, लेंथ इसकी भी एल है और इसका एरिया है ए। ठीक है, तीनों को इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है। ये बताना है कि तीनों रॉड को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, हमें यह बताना है कि तीनों रॉड को जब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है ना, तो रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। अब आप गौर करिए, सबसे पहले आप देखिए कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीएस्ट वे में। ठीक है भाई, तो भैया सबसे पहले मैंने इसका रेजिस्टेंस लिखा, बताइए बच्चों इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। थर्मल कंडक्टिविटी 1/K1, लेंथ एल, एरिया ए, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया है, आर वन की वैल्यू हुई है। इसका रेजिस्टेंस देखते हैं कितना होगा, आर टू इज इक्वल टू 1/K2, लेंथ कितनी हो गई है 12, एरिया ए। ठीक है, आर थ्री इज इक्वल टू 1/K3, लेंथ हो गई है एल, एरिया अभी भी ए है। मैंने इस वाली रॉड का रेजिस्टेंस भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया है और इसका भी लिख दिया है। ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस मैंने अलग अलग लिख दिया। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कि कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, अरे रॉड को रॉड से जोड़ रखा है यार, कोई भी समझ जाएगा बड़े आराम से, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर एस को देखो हम क्या लिखेंगे, माना कि तीनों रॉड को कनेक्ट करने के बाद रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी आती है के, तीनों रॉड को जब हमने जोड़ दिया रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी बनती है के। लंबाई देखते हैं रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, एल 12 एंड एल, लंबाई हो गई है 4L, एरिया अभी भी ए है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या रिजल्ट बनेगा, आर वन की वैल्यू 1/K1 L/A प्लस आर टू की वैल्यू 1/K2 2L/A। ठीक है, ये बताइए कि अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस लिखना आ गया ना आप लोगों को, किसी भी रॉड का रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, 1/ थर्मल कंडक्टिविटी, लंबाई ऊपर मोटाई नीचे। ठीक है, लास्ट वाले का देखते हैं 1/K3 अगेन L/A। जरा बताइए कि दोनों तरफ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट, दोनों तरफ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है जरा बताइए फटाफट, L/A 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 कॉमन लेकर हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा हमारे पास में 4/K 1/K1 2/K2 प्लस 1/K3। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से K की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। इस तरीके से हमें सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का तरीका है क्या। ठीक है, ओके, तो बच्चों ये हमारे पास में दो प्रॉब्लम हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर। अब जस्ट हम बात करने वाले हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ध्यान से जरा, अगली कंडीशन हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर है। देखो माना कि एक रॉड है हमारे पास में कुछ ऐसे, बिल्कुल गौर करके, एरिया इसका दे रखा है एल, लंबाई इसकी दे रखी है, सॉरी एरिया दे रखा है ए, लंबाई दे रखी है एल, थर्मल कंडक्टिविटी के वन। इसके जस्ट नीचे, यहां पर जस्ट नीचे स्टूडेंट, थर्मल कंडक्टिविटी के टू, एरिया दे रखा है 2A, लंबाई अभी भी L है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, देखो पहले हम क्या कर रहे थे, रॉड को रॉड से कनेक्ट कर रहे थे कुछ इस तरीके से, इस बार हमने रॉड के ऊपर रॉड को रखा है, इसीलिए हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। आर वन इज इक्वल टू 1/, ध्यान से थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है के वन, लेंथ कितनी है एल, पहले वाली रॉड की मोटाई कितनी है ए, ये पहली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस निकल गया। अब दूसरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस देखते हैं कितना होगा, आर टू इज इक्वल टू 1/, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है के टू, ओके लंबाई कितनी है एल, ध्यान से एरिया कितना है भाई इस बार, एरिया एरिया है 2A, एरिया है 2A, ये आर वन और ये आर टू, ओके। अगर मैं इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करता हूं बच्चों, तो पैरेलल में मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा,
वन अपॉन पैरेलल इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल रेजिस्टेंस को जोड़ने का फॉर्मूला है, यानी अगर दो या दो से ज्यादा रॉड को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इस फॉर्मूले से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि सबसे पहले हम आरपी की जगह इसका टोटल रेजिस्टेंस रखते हैं। देखो, मैंने माना कि पैरेलल में जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो है वन अपॉन यानी के। लंबाई कितनी है, यहां भी एल यहां भी एल, देखो लंबाई सेम एल, लेकिन मोटाई कितनी हो गई इस बार, यहां की मोटाई a, यहां की मोटाई 2a, मोटाई हो गई है 3a, इज इक्वल टू आर वन की जगह लिखेंगे वन अपॉन के वन एल अपॉन ए, आर टू की जगह लिखेंगे वन अपॉन के टू एल अपॉन 2a। हम लोगों ने बच्चों वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, हमने बहुत आसान सा काम किया, हमने वैल्यूज पुट कर दी है। ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है। देखते हैं कि दोनों तरफ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, L अपॉन A, L अपॉन A, L अपॉन A, 3 और K ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3K इज इक्वल टू, ये K1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया K1 प्लस ये 2 और K2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये आ गया 2K2। सो K इज इक्वल टू K1 प्लस 2K2 डिवाइडेड बाय 3। लीजिए बच्चों, अगर आप दो रॉड को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो इतनी होगी और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है और रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है। मैं आपके सामने यहाँ एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे कि अपने आप उस प्रॉब्लम को आप बनाएं। एक रॉड लंबाई L, मोटाई है 2a, थर्मल कंडक्टिविटी है k, जस्ट इसके नीचे एक और रॉड मैंने लगा दिया बच्चों, मोटाई है 5a, थर्मल कंडक्टिविटी है 4k, लंबाई इसकी भी L है। ठीक है, ध्यान से, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों को जोड़कर जो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी आने वाली है वो कितनी है। तो कैसे करोगे भाई, पहला स्टेप क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस निकालोगे, कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी के है ना, वन अपॉन के एल अपॉन टू ए, वन अपॉन फोर के एल अपॉन फाइव ए और वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाकर आप बड़े आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो अभी तक हमने आपको बताया कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफर करने का ही एक तरीका है जिसे हम जनरली सॉलिड में इस्तेमाल करते हैं बच्चों। सॉलिड में किसी भी मेटेलिक रॉड के अंदर या सॉलिड मटेरियल में हीट को ट्रांसफर करने के लिए इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि कितनी हीट पास होती है, के मैंने आपको बताया क्या है, के का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो मटेरियल अपने अंदर से उतना अच्छे तरीके से करंट हीट करंट को अलाउ करेगा और के की वैल्यू जितनी कम होगी वो अच्छे तरीके से हीट को बिल्कुल भी पास नहीं करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई है स्टूडेंट। ओके, सो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आप इसे नोट डाउन करके अपनी कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिया है कि किस तरीके से आपको सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करना है और प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जंक्शन टेम्परेचर किस तरीके से निकाला जाएगा। देखो भाई बच्चों, माना कि हमारे पास में एक मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड, और मैंने माना कि इसके इस किनारे का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, लंबाई इसकी दी गई है एल, थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है के, एरिया दिया गया है ए। ओके बच्चों, हमने इसके साथ एक और रॉड को कनेक्ट कर दिया है कुछ ऐसे, यहां एक रॉड हमने और कनेक्ट कर दी है, एरिया है इसका ए, लंबाई है इसकी 2L, इस किनारे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, थर्मल कंडक्टिविटी है 2K। ठीक है,
बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आएगी। अब देखिए हुआ क्या, रेड वाली जो रॉड है थर्मल कंडक्टिविटी है के, एक किनारे का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाली रॉड के एक किनारे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। हमने दोनों रॉड को आपस में ज्वाइन करके रख दिया है, तो देखते हैं कि यहां का, जहां हमने दोनों को ज्वाइन किया है, यहां का टेम्परेचर कितना होगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा मेथड बच्चों पढ़ाने वाला हूं। इस मेथड का नाम है नोडल प्लेन मेथड। जो मैं कहूंगा वो आपको फॉलो करना है और प्रॉब्लम फिर आप देखेगा कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ईजी है, कैसे करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को लिखिए के, फिर इसके एरिया को लिखिए ए, लंबाई से डिवाइड करिए। ये तीन काम बहुत जरूरी है। पहले वाली रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया ए, लेंथ से हमने डिवाइड किया। यहां ब्रैकेट में आपको क्या रखना है, हमेशा जंक्शन वाले टेम्परेचर में से दूसरे किनारे का टेम्परेचर माइनस करना है। देखो इस वाली रॉड की बात हो रही है, इस वाली रॉड के लिए जंक्शन टेम्परेचर हो गया टी, तो टी में से 100 को माइनस करना है, टी माइनस 100। ओके आ जाएगा समझ में, चिंता मत करें। बीच में हमने प्लस के साइन का यूज किया। अब देखें कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 2K। ओके एरिया कितना है, ए, लंबाई कितनी है, 12। ये काम बड़ा जरूरी है, थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड। अब क्या करना है, जंक्शन के टेम्परेचर में से किनारे का टेम्परेचर माइनस करना है। कितना है जंक्शन का टेम्परेचर, टी, किनारे का टेम्परेचर कितना है, 0। टी में से 0 को माइनस कर देंगे, कर दिया टी में से 0 को माइनस। इतनी हीट इसके अंदर, इतनी हीट इसके अंदर, दोनों को ऐड करके हमेशा 0 के बराबर बच्चों आप लोगों को रख देना है। देखो एक बार फॉर्मूला इस वाली रॉड के लिए, एक बार फॉर्मूला इस वाली रॉड के लिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा जंक्शन के टेम्परेचर में से किनारे के टेम्परेचर को माइनस करना है और जोड़कर 0 के बराबर रख देना है। देखो अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, के ए अपॉन एल कॉमन लेकर 0 में पहुंच जाएगा। यहां क्या बचेगा हमारे पास में, टी माइनस के 100, यहां क्या बचेगा, टी इज इक्वल टू 0। टी और टी, 2t 100 इधर चला जाएगा, सो टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द जंक्शन टेम्परेचर। ये हमारा स्टूडेंट जंक्शन टेम्परेचर हो गया है। आगे एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं और अच्छे तरीके से बात आपको समझ में आएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए कि भाई हमारे पास में ये 3 रॉड है, हम लोगों ने ये लेट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, मैंने माना कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी है के, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, एरिया इसका भी ए है, एरिया इसका भी ए है, एरिया इसका भी ए है, लंबाई इसकी भी L है, लंबाई इसकी भी L है, ध्यान से, लेकिन इसकी लंबाई है 4L, यहां की लंबाई है 4L। ओके इसके बाद इस किनारे का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये बताना है कि यहां जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। प्रॉब्लम अच्छी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले आप रॉड को काउंट कर लीजिए, कितनी रॉड है आपके पास में, एक रॉड है, 2 रॉड और 3 रॉड, कुल मिलाकर बच्चों हमारे पास में 3 रॉड है, ठीक है। हम इनके ऊपर फॉर्मूला अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस वाली रॉड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया ए, लंबाई एल, जंक्शन के टेम्परेचर में से किनारे का टेम्परेचर माइनस करना है, तो टी माइनस के 200। ओके इसके बाद प्लस, अब इसके लिए अप्लाई करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया ए, लंबाई एल, यहां से ये वाला टेम्परेचर माइनस करते हैं, टी माइनस के 40 प्लस। अब इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया ए, लंबाई 4L, जंक्शन के टेम्परेचर में से इस किनारे का टेम्परेचर माइनस करते हैं, टी माइनस 0, और सबको जोड़कर 0 के बराबर रख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फॉर्मूला इसके लिए, एक बार फॉर्मूला इसके लिए, एक बार फॉर्मूला इसके लिए, तीनों को जोड़कर हमने 0 के बराबर रख दिया है। ओके अब देखो क्या कैंसिल आउट होने वाला है,
के ए अपॉन एल, के ए अपॉन एल, के ए अपॉन एल दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। के ए अपॉन एल, के ए अपॉन एल, के ए अपॉन एल, तीनों को कॉमन लेकर जीरो में पहुंच जाएगा। यहां क्या बचेगा हमें हमारे पास में, टी माइनस के 200 प्लस टी माइनस के 40 कैंसिल आउट, टी को 2 से डिवाइड करेंगे, टी बाय 2 इक्वल टू जीरो। अब मुझे लगता नहीं कि यार बहुत मुश्किल है, आप आराम से कर सकते हैं। टी टी और टी बाय 2 मीन्स 5t by 2, 200 और 40, 240 इक्वल टू से इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 240। देखो t की वैल्यू हमारी क्या निकलने वाली है, 240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द जंक्शन टेम्परेचर। लो भाई ये हमारा जंक्शन टेम्परेचर निकल गया बच्चों, यहां से ये वाला स्टेप फिर ये वाला स्टेप सॉल्व करेंगे, आपका जंक्शन टेम्परेचर निकल जाएगा। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग एक और कंडीशन पढ़ते हैं, आप देखिए ध्यान से, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास में, आप देखिए, माना कि ये एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है, ये तीसरी रॉड है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, इतनी सारी रॉड हम लोगों को दे रखी है। ऐसी प्रॉब्लम आती है बच्चों, आप गौर करिएगा, ऐसी प्रॉब्लम आती है एग्जाम के अंदर। अब प्रॉब्लम कैसे आई, यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 5 पांच रॉड है मेरे पास में, और पांचों को एक जंक्शन पे मैंने कनेक्ट किया है जिसका टेम्परेचर है टी। माना कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 4K, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K। एरिया सबका सेम है, एरिया ए, एरिया ए, एरिया ए, एरिया ए, एरिया ए, ठीक है बच्चों। लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी है, माना कि इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है 2L, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है 2L, अगेन इसकी लेंथ है एल। ये पूरा डेटा हम लोगों को दे रखा है। अब कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बड़ा इजी है, मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3, रॉड नंबर 4 एंड रॉड नंबर 5। हम पहले वाली रॉड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया ए, लेंथ एल, जंक्शन के टेम्परेचर में से किनारे का टेम्परेचर माइनस करेंगे, टी माइनस के 100। ओके, अब दूसरी रॉड के लिए प्लस थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया ए, लेंथ 2L, जंक्शन के टेम्परेचर में से किनारे का टेम्परेचर माइनस करेंगे, टी माइनस के 50 प्लस। अब इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी 4K, एरिया ए, लंबाई L, ध्यान से लंबाई L, एरिया ए, थर्मल कंडक्टिविटी इतनी, जंक्शन के टेम्परेचर में से जीरो माइनस करेंगे, टी ही आएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब इस वाली रॉड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया ए, लंबाई 2L, टी में से जंक्शन के टेम्परेचर में से इसे माइनस करेंगे, टी माइनस के 20 एंड फाइनली थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया ए, लंबाई L, जंक्शन के टेम्परेचर में से 10 को माइनस करेंगे और इन सबको उठाकर जीरो के बराबर रख देंगे। तो बच्चों पहला फॉर्मूला इस वाली रॉड के लिए, वो वाला इस वाली रॉड के लिए, वो वाला इस रॉड के लिए, ये वाला इस रॉड के लिए, लास्ट वाला इस वाली रॉड के लिए, थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ और जंक्शन के टेम्परेचर में से किनारे का टेम्परेचर माइनस कर देना है और सबका सम जीरो के बराबर रख देना है, ठीक है। इसे हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ या नोडल प्लेन मेथड या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है अपने पास में, के ए एल सभी के अंदर है, डिवाइड कर देते हैं बच्चों, सभी के अंदर है, तो के ए अपॉन एल को हमने कॉमन लेकर जीरो में पहुंचा दिया। यहां बचा हमारे पास में टी माइनस के 100, यहां बचा टी माइनस के 50, यहां बचा 4T, यहां बचता है टी माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 2, यहां बचता है 2T माइनस के 20 इज इक्वल टू जीरो, ये बचा। अगर मैं यहीं तक छोड़ दूं तो उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ जाएंगे और सॉल्व भी कर लेंगे,
टी 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 टूटी, टूटी और 40, 60, 70, 80, 80 और टी बाय टू, ध्यान से 80 एंड टी बाय टू, दिस इज 17 टी बाय टू, 80 प्लस टी बाय टू ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 17 टी बाय टू। आगे दूसरा क्या बचता है, 100 और 50, 150, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 160 और 160 और 20 माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 100 और 50, 150, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 160 हो जाएगा और ये हो जाएगा 180, ठीक है। सो 17t इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 और t इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 17 डिग्री सेल्सियस। लो बच्चों इतना हमारे पास में जंक्शन टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें जंक्शन टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो बड़ा आसान है, सबसे पहले लंबाई के एरिया और टेम्परेचर का डिफरेंस हमें लेना है। मान लीजिए कि इस वाली रॉड के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले तो आप ये देखो कि जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा यार तीन रॉड हमें दे रखी है और तीन रॉड को कुछ इस तरीके से लगा रखा है। अगर तीन रॉड को कुछ इस तरीके से, सॉरी तीन रॉड नहीं, पांच रॉड हमें दे रखी है, अगर कुछ इस तरीके से लगा रखा है तो यहां पांचों रॉड मिलेंगी तो इसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा और उसे हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, और सबका सम जीरो के बराबर। इंपॉर्टेंट बात यह है जो याद रखने वाली बात है कि आपको हमेशा जंक्शन के टेम्परेचर में से किनारे का टेम्परेचर माइनस करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया है हमारा कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के ऊपर ये कंडीशंस हमारे सामने बन सकती है, ठीक है। कल हमारा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कल कोशिश ये करेंगे कि इस पूरे पोर्शन को हम लोग कल कंप्लीट कर दें। जो भी सवाल बचेंगे वो हम लोग कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस से या जो भी वीडियो लेक्चर से इनसे फ़ायदा हो रहा होगा। आपके अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो मैंने कल आपको नंबर दिया था, आप दोबारा से मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9837889953। आप मेरे नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए डाउट सेशन का अरेंजमेंट भी किया जाए। ओके स्टूडेंट, ओके।